कोशिश है जिसमें हम कॉर्पोरेट सेक्टर को भी ला रहे हैं कि वो भी स्पोर्ट्स प्रमोशन में अपना किरदार अदा कर सकें। तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ख़ैबर पख्तूनख्वा जो कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन भी हैं बैंक ऑफ ख़ैबर के, तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं उसमें ये टूर्नामेंट हमने टैलेंट हंट का किया है कि हम अंडर 13 बच्चों को और बच्चियों को हमने इस टूर्नामेंट में इन्वॉल्व किया है। और हमारी कोशिश ये है कि जो हमारी पास ग्लोरी की जानशेर खान थे, जहांगीर खान थे, कमर जमान साहब, मोहिबुल्लाह साहब, तो उस ग्लोरी को फिर से रिवाइव किया जाए। एक एक्सटेंसिव टैलेंट हंट प्रोग्राम हमने यहाँ पर डिज़ाइन किया है और वो भी अंडर 13 बच्चों का। इनमें से जो 3 बच्चे जीतेंगे मेल, उनको माहाना 20,000 रुपये 3 साल तक मिलेंगे उनकी स्टाइपेंड डायट्री सपोर्ट के लिए। उनको बेहतरीन किस्म का इक्विपमेंट 2 साल में 2 दफ़ा मिलेगा और उनकी फिर फॉरेन ट्रेनिंग और फॉरेन जो उनकी कंपटीशन है वो भी इस बैंक ऑफ खैबर ये सारा खर्चा बर्दाश्त कर सकेगा। तो 3 मेल बच्चे जो हैं और एक जो फीमेल टूर्नामेंट की विनर होगी बच्ची, उसको भी यही इक्विपमेंट और स्टाइपेंड मिलेगा। पूरे सूबे से ये बच्चे आए हुए हैं और हमारी हमने इसको एडवर्टाइज़ किया अखबार में और फिर बच्चों ने रजिस्ट्रेशन की। और आज अब अगर अपडेट, जब मेरी कोचेस से बात हो रही थी तो इसमें बिल्कुल नए बच्चे आए हैं जो इससे पहले स्क्वाश के सर्कल में वो नहीं जाने जाते थे, तो अब डी खान से, बनू से, इसमें एबटाबाद से, स्वात से, मुख्तलिफ अजला से बच्चे आए हुए हैं और उन्होंने ओपन कम्पटिशन किया। अब उसकी लीग जो है राउंड शुरू हो गया है और हर बच्चा जो उसका अपोनेंट है उसके साथ मैच खेलेगा। बिल्कुल मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है
और हम समझते हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा में स्क्वाश का टैलेंट है वो इसी तरह सामने आएगा, और इंशाल्लाह इस कामयाबी को देखते हुए हम इंशाल्लाह इस जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है हम उसको दूसरे स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व करेंगे, और गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा प्राइवेट सेक्टर और कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ मिलकर स्पोर्ट्स प्रमोशन पर जो काम कर रही है, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द पाकिस्तान की स्पोर्ट्स तरक्की करेगी।